थोड़ा जल्दी करो ना सिस्टर प्लीज, शादी की बात करना मुझ जैसे बाप के लिए पाप हो गया है पाप। सर क्या हुआ सर? डॉक्टर ये मेरी इकलौती बेटी है, मैंने शादी की बात क्या की, इसने जहर पी लिया, इसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। इन्हें इमरजेंसी रूम लेकर जाओ। ओके डॉक्टर। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। ओके अब बैठ, डोंट वरी। जहर फैल चुका है, निकालना होगा। सिस्टर ट्यूब निकालो। यस सर। नहीं वो नहीं, बड़ी वाली, उससे बड़ी वाली। हाँ यही वाली। ये वाली सर? हाँ लाओ लाओ। इसी से निकलेगा। जहर दिमाग के अंदर पहुंच चुका है, अब देखो मैं इसे कैसे निकालता हूं। ट्यूब नाक में डाल के जहर निकालेंगे। ये क्या है इतनी बड़ी ट्यूब? इसे कहते हैं यूट्यूब। इतनी बड़ी ट्यूब नाक में डालोगे, अकल नहीं है क्या? जहर खा लिया है ना, अब इलाज भी करना ही पड़ेगा। चलो लेटो। ए क्या कर रहे हो तुम, असली डॉक्टर हो या नकली? असली क्या है नकली क्या है अभी बताता। डॉक्टर ये मेरी इकलौती बेटी है, मैंने शादी की बात क्या की, इसने जहर पी लिया। तुम्हारी एक्टिंग अच्छी जा रही थी लेकिन एक मक्खी ने गेम बिगाड़ दिया, अब इमरजेंसी रूम लेके जाओ। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटूंगा। अरे दिन रात शादी 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 करते रहते हैं, इसीलिए ये नाटक करना पड़ा। हटो। सुनो शादी में इंटरेस्ट नहीं है या कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड का चक्कर है? क्या करोगे जानकर? देखो बाप है तो तुम्हारी शादी की फिक्र तो होगी, माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, बदले में उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये हॉस्पिटल है या मैरिज ब्यूरो? हमारा फैमिली मैटर है, बीच में मत पड़ो। ओ, अच्छा दूसरों का फैमिली मैटर रेडियो पे उछालती हो और खुद पे आई तो रेडियो का स्विच बंद। ए पंगा नहीं। ऐसा जमाना आया है मोटा भाई, मैंने अपनी इकलौती बेटी से बस इतना कहा कि शादी कर लो और उसने जहर पी लिया। बोलो हम माँ बाप आजकल के बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते, गलती से पूछ लिया कि कहाँ गई थी तो भी हम पे बरस पड़ते हैं, हम कहाँ जाएं? सर, सब बरोबर है ना डॉक्टर? आपकी बेटी चली गई। मुझे छोड़कर चली गई बेचारी। घर चली गई है सर? घर चली गई डॉक्टर साहब? अरे सर हो, ये डॉक्टर है क्या मदारी है? जहर उतार दिया। बेटी भी पागल बाप।